नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी किंग पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, आरएस मेंस और जितनी भी एग्जाम जो राजस्थान में आई है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों हमारे न्यू अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो बदलकर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये क्या कर दिया गया है, पधारो मारे देश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय पर्यटन विभाग का लोगो जाने क्या दिख जाए था, जिसे अब मौजूदा सरकार राजस्थान सरकार, आपको पता है गहलोत जिसमें मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सरकार ने ये फैसला लिया है कि राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो जो पहले का लोगो था जाने क्या दिख जाए को बदल कर पधारो मारे देश कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है क्या है, पधारो मारे देश, जाने क्या दिख जाए को बदल कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ है, उदयपुर में। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो सरस मेला 25 वर्षों के पश्चात ये उदयपुर में आयोजित हो रहा है, इससे पहले ये 1993 में आयोजित हुआ था। ठीक है, यदि हम इस मेले में बात करें तो इस मेले में पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, सजावटी सामान, विविध व्यंजन, गहने, अचार, नमकीन, पापड़ और ज्वेलरी, इसी तरीके का सामान बिक्री हेतु उपलब्ध था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजस्थान के कौन से ज़िले सम्मानित किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कौन से ज़िले किए जाएंगे, झुंझुनू और हनुमानगढ़ दोनों ज़िले। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में जो हमें कुछ पॉइंट याद रखने वो हम देखते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हनुमानगढ़ और झुंझुनू ज़िले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, जिसमें यदि हम बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले को बालिका शिक्षा को सक्षम बनाने की श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है, ये सम्मानित किया गया है। और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू ज़िले को लगातार तीसरे वर्ष बाल लिंगानुपात कैटेगरी से सम्मानित किया गया है, क्योंकि झुंझुनू ज़िले ने, बात करें यदि हम झुंझुनू ज़िले की, तो झुंझुनू ज़िले ने बाल लिंगानुपात को लेकर दोस्तों काफ़ी प्रयास किए थे, जिसको लेकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, बाल लिंगानुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हनुमानगढ़ को बालिका शिक्षा को सक्षम बनाने की श्रेणी में और झुंझुनू को लगातार तीसरे वर्ष बाल लिंगानुपात कैटेगरी में, कैटेगरी से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के टॉप पुलिस स्टेशनों में राजस्थान का कौन सा थाना सीट्स पर रहा। दोस्तों, ये कौन सा थाना रहा है सीट्स पर, ऑप्शन ए कालू पुलिस थाना बीकानेर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, देश के टॉप 10 पुलिस थानों में राजस्थान के 2 पुलिस थानों को शामिल किया गया है। यदि हम इन थानों में बात करें तो क्राइम कंट्रोल करने और आमजन की सुनवाई करने में बीकानेर का जो कालू पुलिस थाना है उसे देश भर में नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड दिया गया है। साथ में राजस्थान का एक और पुलिस थाना है जिसे इस रैंकिंग में 7वें नंबर पर रखा गया है, कौन सा है, बूंदी का लाखेरी पुलिस थाना। तो आपको दोनों याद रखने हैं, कालू पुलिस थाना है बीकानेर का जिसे नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड मिला है, और बूंदी का जो लाखेरी पुलिस थाना है उसे 7वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एनजीटी ने राज्य के किस टाइगर रिजर्व के पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस पर लगा दिया है, सरिस्का। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अलवर के जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में हर तरह की खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। और ये रोक क्यों लगाई है, क्योंकि दरअसल जो
अवैध खनन होता है, वहाँ से बाघ और जो अन्य जानवर विचरण करते हैं उन्हें जान का खतरा बना रहता है, ठीक है। इसलिए एनजीटी ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गर्ल्स अंडर 21 में राजस्थान की ललिता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यदि हम बात करें तो राजस्थान की बॉक्सर, ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ललिता ने पुणे महाराष्ट्र में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। गर्ल्स अंडर 21 में ललिता ने 69 किलो के फाइनल में हरियाणा के अमृत को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, बॉक्सिंग से संबंधित है ललिता, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और किस में? 69 किलो में, गर्ल्स अंडर 21, ठीक है। यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, कोटा की अरुंधति चौधरी ने, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गर्ल्स अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन किस में? गर्ल्स अंडर 17 में इन्होंने, अरुंधति ने दोस्तों 70 किलो के फाइनल में हरियाणा के प्रांजल यादव को हराया था, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 25 जनवरी 2019 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश के किन दो किसानों को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किसको की गई है? ऑप्शन ए जगदीश प्रसाद पारिक और हुकुमचंद पाटीदार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो राजस्थान के दो प्रगतिशील किसानों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें यदि हम बात करें तो सीकर जिले के जगदीश प्रसाद पारिक और हुकुमचंद पाटीदार शामिल हैं। यदि हम बात करें जगदीश प्रसाद पारिक की, तो ये 67 साल की उम्र में जगदीश प्रसाद पारिक ने अपनी जैविक खेती से 15 किलो के गोभी का फूल ये उगा चुके हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है, किसे? जगदीश प्रसाद पारिक और हुकुमचंद पाटीदार, जिसमें जगदीश प्रसाद पारिक है वो जैविक खेती से 15 किलो के गोभी का फूल उगा चुके हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल दर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 29 जनवरी 2019 को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के जाने माने संस्कृत कर्मी, कवि और आलोचक डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ में दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर व्यास को उन्हें ये पुरस्कार उनकी कृति कविता देवे दीट के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए? कविता देवी दीट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 9 से 20 जनवरी 2019 को आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको सारी बातें याद रखनी है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान था? 11वां स्थान। तो यहाँ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो राजस्थान ने पुणे महाराष्ट्र में 9 से 20 जनवरी तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 11वां स्थान प्राप्त किया है। यदि हम बात करें
राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 10 गोल्ड, 16 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो इन खेलों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है। राजस्थान का 11वां स्थान, 10 गोल्ड, 16 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था पेंशन की दरें बढ़ाकर कर दी हैं। तो दोस्तों ये कितनी कर दी है? ऑप्शन बी 750 से लेकर 1000 रुपये प्रति माह। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। तो राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल ने 29 दिसंबर 2018 को हुई बैठक में मुख्यमंत्री की अनुमति से विचार विमर्श कर ये निर्णय लिया गया है कि वृद्धावस्था की पेंशन जिसकी राशि जो 500 रुपये थी उसे तो कर दिया गया है 750 रुपये, और जो 750 रुपये थी इसका मतलब होता है जो वृद्धावस्था पेंशन जो 75 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनकी तो 500 से 750 रुपये कर दी गई है, और जिनकी आयु 75 प्लस है उनको 750 से 1000 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी एम आई ई रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो यदि हम बात करें तो बेरोजगारी की स्थिति में राजस्थान देश में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। यहां तक कि हम बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति भी राजस्थान से बेहतर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब CMIE की दिसंबर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में इस समय हर छठा व्यक्ति बेरोजगार है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार राजस्थान की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है रोजगार में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा रामन हत्ता वाद्य यंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन बी प्रवीण सिंह राठौर के द्वारा। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रवीण सिंह राठौर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक माने जाने वाले रामन हत्ता वाद्य यंत्र का हाइब्रिड वर्जन तैयार किया गया है जिसे विश्व के सबसे बड़े रामन हत्ते में शुमार कर लिया गया है। यदि हम दोस्तों इसकी बात करें कि ये कितना बड़ा है तो ये 7.5 फीट का रामन हत्ता को बनाकर उन्होंने ये अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है प्रवीण सिंह राठौर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो 30 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनीमिया व नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? दोस्तों ये कहाँ से किया गया है? ऑप्शन सी जोधपुर से। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो एनीमिया और नशा मुक्ति की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश की नई सरकार ने 30 जनवरी से एनीमिया मुक्त राजस्थान और नशा मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में इसका शुभारंभ किया। ठीक है, यदि हम बात करें तो विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों में टैबलेट और सिरप इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है एनीमिया में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? जोधपुर से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5वें संस्करण में ओमपुरी अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमपुरी अवार्ड किसे दिया गया है, जयपुरी अवार्ड किसे दिया गया है, लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। यदि हम बात करें तो ओमपुरी अवार्ड किसे दिया गया है? सुशांत
सिंह को। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के 5वें संस्करण के आखिरी दिन रिफ अवार्ड्स नाइट हुई थी, रिफ अवार्ड नाइट 2019, जिसमें कुल 72 अवार्ड्स दिए गए थे अलग अलग कैटेगरीज में। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया गया था वो कमल बड़जिया को दिया गया था, हसरत जयपुरी अवार्ड दिया गया था मयूर पुरी को, और यदि बात करें तो ओमपुरी अवार्ड दिया गया था एक्टर सुशांत सिंह को। तो आपको तीनों अच्छे से याद रखने, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी श्रेणियों में दिया गया था? कुल 72 श्रेणियों में। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा संस्करण है? और 5वां। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश के किस शहर में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के वीर योद्धाओं की याद में बार मेमोरियल बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन बी, जोधपुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, शहर के गौरव पथ पर जल्द ही जोधपुर स्टेट फोर्सेस बार मेमोरियल बनेगा, और ये प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले मारवाड़ के वीर योद्धाओं को समर्पित होगा, जिससे उनकी शौर्य गाथाओं को याद दिलाता रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है आपको, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के वीर योद्धाओं की याद में जो बार मेमोरियल बनने जा रहा है वो कहाँ पर बनेगा? जोधपुर में, जो कि मारवाड़ के वीर योद्धाओं की याद दिलाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस कंपनी को सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर को। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से याद रखना है, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश का पहला नेशनल इंडियन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब नाइपर, कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों, ये कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए, झालावाड़ में। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो कुछ सालों पहले तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से जो झालावाड़ जिला था राजस्थान का, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और अब इसी क्षेत्र में ये इसका हब बनने जा रहा है। यह राज्य का पहला ऐसा जिला मुख्यालय होगा जहाँ चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर खुलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रखना है, झालावाड़ में खुलने जा रहा है नाइपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर वाले लेटर हेड को बदलकर अब किसका प्रयोग करेगी? दोस्तों, किसका प्रयोग करेगी? ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ को। दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, जो राजस्थान में जो कांग्रेस की जीत के साथ जो गहलोत सरकार है उनके द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सभी सरकारी दस्तावेजों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को हटाने का आदेश जारी किया है, और अब दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर की जगह अशोक स्तंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छे से याद रखना है आपको ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1 मार्च 2019 से किस योजना अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, ये किसके अंतर्गत की गई है? अक्षत योजना, या हम बोले राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012। दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि हम बात करें तो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में सरकार महिलाओं को 3500 और पुरुषों को 3000 रुपये 2 वर्षों की अवधि तक देगी। इस तरह की बेरोजगारी को इन 2 वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा। और यदि बात करें तो ये योजना
पहले से चल रही थी, जैसे अक्षत योजना और राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2012, पर इसमें पहले जो भत्ता दिया जाता था वो मात्र 650 रुपये से 750 रुपये दिए जाते थे, जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर महिलाओं को तो 3500 और पुरुषों को 3000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यात्रियों के आवागमन की संख्या के लिहाज से जयपुर एयरपोर्ट का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों ये कौन सा स्थान रहा है? 12वां। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, यात्रियों के आवागमन की संख्या के लिहाज से देश भर में जो जयपुर एयरपोर्ट है उसका स्थान रहा है 12वां। ठीक है, तो यात्रियों के आवागमन की संख्या के लिहाज से जयपुर एयरपोर्ट को 12वें नंबर पर रखा गया है। इस कैटेगरी में जयपुर को 2 बार विश्व के नंबर 1 एयरपोर्ट का भी खिताब मिल चुका है। इस कैटेगरी में यदि हम बात करें तो दिल्ली पहले, मुंबई दूसरे और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंगला 2 कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी, बाड़मेर। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो देश में निकलने वाले तेल का जो 25% उत्पादन है वो अकेले बाड़मेर से हो रहा है। इसे वर्ष 2022 तक बाड़मेर से निकलने वाले क्रूड ऑयल का जो उत्पादन है वो 50% तक बढ़ाने का तैयारियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसके लिए जो बाड़मेर नागाना में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का अपग्रेडेशन कर मंगला टू को तैयार किया जा रहा है। इसका करीब 1.5 लाख बैरल तेल की क्षमता होगी। ठीक है दोस्तों, सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। कहाँ पर? बाड़मेर में मंगला 2 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 25 जनवरी से राजस्थान के किस जिले में आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ पे किया गया था? जयपुर में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जयपुर के जो जवाल कला केंद्र है वहाँ पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था और आदि महोत्सव का आयोजन 25 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस महोत्सव में देश के 25 राज्यों से लगभग 300 आदिवासी शिल्पकार थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिन्होंने महोत्सव में आदिवासियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को इसमें लाया गया था। ठीक है दोस्तों, सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। 25 जनवरी से राजस्थान के किस जिले में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ किया जाएगा? जयपुर के सीतापुरा में। ठीक है, जयपुर के सीतापुरा में। दोस्तों इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का जो 10वां संस्करण था, ये जो 31 जनवरी से 3 फरवरी तक सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, यदि हम बात करें तो यह भारत में स्टोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी, जहां विभिन्न प्रकार के नेचुरल डायमेंशंस स्टोन्स, इनके एसिलरी प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया स्टोन मार्ट 2019, तो आपको अच्छे से याद रखना है, जयपुर के सीतापुरा में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? दोस्तों ये किसे घोषित किया गया है? हवाई को। ठीक है, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो यदि हम बात करें दोस्तों तो इस फेस्टिवल रोमानिया की फिल्म हवाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस के निर्देशन जेसुस डेल करे को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। फिल्म चुनी गई है दोस्तों हवाई
और निर्देशक चुना गया है जेसुस डेल करो को, सबसे फिल्म का निर्देशक, ठीक है। बेस्ट एक्टर फीमेल मिला है प्रियंका सारकर को, बेस्ट एक्टर मेल मिला है एंड्रे फ्लोरेस्क्यू को, और यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्री मिली है कनाडा की ट्रैफिक सपोर्टिंग डिवाइस डॉक्यूमेंट्री को, श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री चुना गया है। तो आपको दोस्तों ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर कर दिया गया है। दोस्तों 3% से बढ़ाकर ये कितना कर दिया गया है, दिव्यांगों का आरक्षण 4%, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, प्रदेश में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15 फरवरी से वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों ये कहाँ किया जाएगा, उदयपुर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों झीलों की नगरी उदयपुर में चौथा वर्ल्ड म्यूजिक, आपको ध्यान रखना है, चौथा वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है जो 15 से 17 फरवरी में आयोजित होगा, और इस फेस्टिवल में स्पेन, इटली, फ्रांस, क्यूबा, ब्राज़ील, भारत समेत 20 देशों के 150 से अधिक कलाकार शिरकत करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 15 फरवरी से वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 से 29 जनवरी 2019 को जयपुर में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है। दोस्तों तो किसे घोषित किया गया है, ऑप्शन ए नारी शक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, तो देश का पहला ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर कहाँ खोला जाएगा। दोस्तों ये कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए देश का पहला ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर है ये जयपुर में बनने जा रहा है। इसमें राज्य सरकार ने सेंटर के लिए सांगानेर क्षेत्र में जमीन का आवंटन किया है। जयपुर में जो सांगानेर क्षेत्र है उसकी जमीन का आवंटन इसके लिए किया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, देश का पहला ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर जयपुर में बनने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिए जाने वाले पद्मश्री पुरस्कार को किस नाम से जाना जाएगा। तो ये किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिए जाने वाला जो पद्मश्री पुरस्कार था उसे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो दिसंबर 2018 की संयुक्त रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला शिक्षा क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों ये कौन सा है, चूरू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में चूरू जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। रमसा और एसएसए की दिसंबर 2018 की संयुक्त रैंकिंग शिक्षा संकुल ने जारी की थी, ठीक है, जिसमें चूरू प्रथम स्थान पर रहा है। यदि दोस्तों हम इसमें बात करें तो इसमें दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, झुंझुनू जिला। दोस्तों अच्छे से याद रखनी है सारी बातें आपको। तो रमसा और एमएसएसए की दिसंबर 2018 की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान पर चूरू, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ और तीसरे पर झुंझुनू रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो प्रदेश के किस स्थान पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस एवं रिपेयरिंग यूनिट स्थापित होगी। दोस्तों ये कहाँ पर होगी, ऑप्शन बी काकाणी जोधपुर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, भेल द्वारा जो सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग यूनिट काकाणी जोधपुर में
स्थापित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन ए जैसलमेर में। कौन सा है? वायु शक्ति 2019। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें वो देख लेते हैं। तो वायुसेना का जो युद्धाभ्यास है वायु शक्ति 2019 वो जैसलमेर में 16 फरवरी 2019 को होना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से याद रखना है वायु शक्ति 2019 जैसलमेर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस इंडिया मल्टीनेशनल टाइटल जीता है, तो दोस्तों ये किसने जीता है? ऑप्शन बी सिमरन शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? कपिल गर्ग। ठीक है, अच्छे से याद रखना है राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? कपिल गर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा की स्थिति में बचाव राहत कार्यों के लिए राज्य स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ बनने जा रहा है? जयपुर में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, आपदा की स्थिति में बचाव राहत कार्यों के लिए जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो कहाँ बनने जा रहा है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये कौन रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए झुंझुनू। ठीक है, नेक्स्ट हम को देख लेते हैं दोस्तों, तो 5 जनवरी 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 13वां रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों ये किसे किया है? ये दोस्तों राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड गुलाब कोठारी को दिया गया है जो कि प्रधान संपादक है राजस्थान पत्रिका के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो 15वीं विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये कितनी है? ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों 11 दिसंबर 2018 तक इनकी संख्या थी 23 चुनी गई महिलाएं। दोस्तों इसमें कितनी थी? 23, जिसे चुनावों के बाद साफिया खान की जीत के साथ ही इनकी संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 24। ठीक है, तो कितनी है 15वीं विधानसभा में चली गई महिलाओं की कुल संख्या अभी तक? 24। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमारे जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं जो कि महत्वपूर्ण है काफ़ी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।